गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर एजुकेटर। तो आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले जानते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है वो कैसे मेंटेन रहती है। जब एक पॉपुलेशन में बहुत सारे बर्थ होते हैं तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन गेन होती है, और जैसे जैसे उस पॉपुलेशन में डेथ ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन लॉस होती है, उसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता जाता है। बाहर से कोई एक पॉपुलेशन है उसके अंदर बाहर से कोई बहुत सारी स्पीशीज़ आ गई है, यानी कि इमिग्रेशन हो गया है, उनकी एंट्री हो रही है, तो भी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। और सपोज़ कीजिए कि एक पॉपुलेशन है उसमें से इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन को छोड़ के जाना, तो एग्ज़िट हो रहा है मतलब बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो उससे पॉपुलेशन का साइज़ छोटा हो। तो ये तो हमारा बेसिक था। अब जो मेन चीज़ है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कंडीशन, यानी कि हमारा एनवायरमेंट जो होता है ना उसमें ये दो कंडीशन होती है, एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होता है? जब एनवायरमेंट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हो और रहने के लिए शेल्टर हो, तो कोई ऑर्गेनिज्म, आप सपोज़ कीजिए कि जैसे एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है इसके अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो अब सोचिए कि ये जो पॉपुलेशन है ये कहीं और मूव क्यों करेगी? ये ग्रो करती जाएगी, ये ग्रो करेगी। और एक है कि अनफेवरेबल एनवायरमेंट है, यहाँ पे फूड की जो रिसोर्सेज है वो उनकी भी कभी कभी कमी पड़ जाती है, एनवायरमेंट है जो भी वो भी फेवर नहीं कर रहा है, तो इन सब में क्या होगा, इसमें अनफेवरेबिलिटी बनी रहेगी, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज भी करेगी और डिक्रीज भी करेगी। बट अगर रियलिस्टिक वे में देखा जाए तो फेवरेबल कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम तक तो देखो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज की रिचनेस रहेगी, एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये जो मतलब रिसोर्सेज है और ये सब है ये सब ख़त्म होने लग जाते हैं, तो उस टाइम जो ये सब होता है, ये जो ग्राफ होता है हमारा, ये स्टैटिक मूवमेंट शो करता है, मतलब सेचुरेशन गेन कर लेता है। ये रियल में पॉसिबल नहीं है, बट ये इकोलॉजी, अब देखिए साइंटिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया है, उन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम से इकोलॉजी को देखा है, तो वो ये वाली चीज़ें देखते हैं। तो अब इनमें अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो उसमें ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन जे शेप्ड बनेगा, मतलब कि जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल बनेगा, वो ग्रो करती ही रहेगी, सेचुरेशन गेन नहीं करेगी। वैसे रियल में करती है बट ग्राफ में नहीं दिखाते उसको, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस है। दूसरा है अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें एस शेप्ड कर्व बनता है, एस शेप्ड ग्राफ बनता है। अब फेवरेबल कंडीशन के अंदर भी या तो पीरियोडिक ब्रीडर आएंगे या कॉन्टीन्यूस ब्रीडर। पीरियोडिक ब्रीडर्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो एक टाइम तक ही ब्रीडिंग करते हैं, मतलब उनका पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है साल में ब्रीड करने का। कॉन्टीन्यूस ब्रीडर जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ये ग्रो, ये मतलब किसी भी टाइम, इनका कोई सीज़न फिक्स नहीं होता ब्रीडिंग का। तो जो एस शेप्ड कर्व है वो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करेगा, और ये जो जे शेप्ड है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। अब देखिए, जो पीरियोडिक ब्रीडर होते हैं वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं, जिसमें आर नोट जो है उसको नेट रिप्रोडक्टिविटी रेट बोलेंगे, और जो कॉन्टीन्यूस ब्रीडर है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं, उसमें जो आर है उसको इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बोलेंगे। आप ये आर नोट और आर में डिफरेंस देख लीजिए, ये पूरा ये जो है आपको अभी आगे समझ आ जाएगा। और जो एस शेप्ड है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करेंगे, उसमें कैरिंग कैपेसिटी देखी जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है और ये सब क्या है, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब इनके ग्रोथ कर्व देख लेते हैं। सबसे पहले जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं उनका जो कर्व होता है वो जे शेप्ड होता है, क्योंकि इसमें कौन सी कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी, तो ये जे शेप्ड कर्व जो है वो शो करता है। टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्योंकि फूड रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए आर नोट के बारे में बताया हुआ है। आर नोट मैंने बताया था कि ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर ही आता है, तो इसमें ये बता रखा है कि आर नोट क्या होता है। अब एक जो पॉपुलेशन में, एक जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो फीमेल्स होती है वो एवरेज कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है उसके लाइफ टाइम में। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो
मतलब उनमें जो वो हिट करती है प्यूबर्टी, उसके बाद जो फीमेल होती है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, चाइल्ड को बर्थ देने के लिए उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। साइंटिफिकली तो माना गया है कि प्यूबर्टी के बाद से एक फीमेल जो है चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, टिल उसका मेन्यूपोज हो तब तक, यानी कि 40 to 45 के बीच में उसका मेन्यूपोज होता है फीमेल बॉडी का। तो वो पूरे लाइफ टाइम में जितने भी ऑफस्प्रिंग को बर्थ करे, कर तो सकती है प्रैक्टिकली माने तो 9 9 मंथ्स के गैप पे, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अलाउ नहीं करती, और ये सब चीज़ें भी रिसोर्सेज और ये सब वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो फीमेल जो है वो जितने भी बच्चों को बर्थ कर सकती है, जितने भी ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकती है, उनको आर नोट बोला गया है। ये एग्जाम्पल था, इसमें बस ये बताया हुआ है कि एक फीमेल जो है वो अपने लाइफ टाइम के दौरान कितने जो ऑफस्प्रिंग है उनको जन्म देती है उसको बोलते हैं। अब ये एक चार्ट है, इस ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टाइम और पॉपुलेशन के। अब देखिए ये ग्राफ है, इस लाइन को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं जहाँ पे बर्थ और डेथ जो है इक्वल होगी। ऊपर की साइड जाते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ये देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो जो ऊपर जाएंगे क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, और नीचे पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है देखिए इधर से। तो यहाँ पे जब नीचे का ग्राफ बनता है तो यहाँ पे डेथ जो होती है वो ज़्यादा होती है बर्थ के कंपैरिजन में। अब जहाँ बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे आर नोट जो होता है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया आर नोट का मतलब क्या है, एक फीमेल कितने चाइल्ड को, कितने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रही है, कितनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। बर्थ और डेथ जहाँ इक्वल होते हैं कांस्टेंट, वहाँ पे आर नोट 1 के इक्वल होता है, और डेथ वाले जगह पे आर नोट जो होता है 1 से छोटा होता है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। नाउ हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन है पीरियोडिक ब्रीडर का वो देख लेते हैं। अब इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो दोनों फॉर्मूले बता देती हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला होता है एन टी इज इक्वल्स टू एन नोट आर नोट टी, जहाँ पे टी क्या होता है, टाइम, जहाँ पे टी जो होता है ना वो नंबर ऑफ जनरेशन होता है। अगर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी जाए कि यहाँ पर इस पॉपुलेशन में इतनी नंबर ऑफ जनरेशन है या इतनी जनरेशन के बाद का टाइम निकालो, तो वो फॉर्मूला एन नोट आर नोट टी वाला लगेगा, और जो टी है वो जनरेशन है। इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी। एन नोट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और एन टी या फिर एन एफ जो है, इस एन टी को एन एफ भी बोलते हैं, ये फाइनल पॉपुलेशन एक टाइम के बाद की। ठीक है, तो अब देखिए एक फॉर्मूला है एन टी इज इक्वल्स टू एन नोट लेमडा टी। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है जो टी है वो टाइम टाइम इंटरवल में दिया हुआ है, ईयर्स में, यानी कि ऊपर वाले में जनरेशन में दिया हुआ था, नीचे टाइम इंटरवल में दिया है यानी कि ईयर्स में। लैम्डा जो है फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज को बोला जाता है। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है एन वन अपॉन एन नोट, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। तो आपको बस ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं या समझने हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी अभी पूरे डायग्राम के साथ। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इनसे आपके पीरियोडिक ब्रीडर्स के क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक ट्रिक है छोटी सी जिससे आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकें। अब देखिए ट्रिक ये है कि यहाँ पे है एन नोट लैम्डा टी। अब देखिए ये टी जो है, लैम्डा जो है, ये उल्टे वाई की तरह नज़र आता है। इसको टाइम ईस्ट टाइम इन ईयर्स, मतलब जो लैम्डा है वो है क्या, लैम्डा यही तो है, टाइम इंटरवल ही तो पूछा गया है ईयर्स में, जो क्वेश्चन में टाइम आएगा ईयर्स के अंदर। हम वाई को ऐसा बनाते हैं और लैम्डा को हम ऐसा बनाते हैं, तो ये जो है इससे आप समझ जाइए वाई फॉर ईयर्स, और ये लैम्डा जहाँ पे भी ईयर्स में टाइम दिया जाएगा वहाँ पर आपको लैम्डा वाला फॉर्मूला पुट करना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये पीरियोडिक का था,
अब हम एक्सपोनेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स पे होता है। इसमें सीधा फॉर्मूला है कि देखिए कोई भी पॉपुलेशन है उसको कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन को, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जितने बर्थ हुए उस पॉपुलेशन में उसमें से डेथ को माइनस कर दो तो करंट पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी पॉपुलेशन है। ये जो फॉर्म है इसको हम चेंज करके dn by dt is equals to rn लिख देते हैं, जहाँ पे n जो है वो तो पॉपुलेशन साइज है, r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। मैंने आपको पीछे डिफरेंस बताया था, r नोट क्या है, r नोट क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, और आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। हम आर कैसे निकालते हैं, ये जो आर है और डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन पॉपुलेशन, और ये आर की वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, बर्थ माइनस डेथ। ये बर्थ जो होगा ना ये नंबर में गिवन होगा, लेकिन हमें उसको बर्थ रेट में और डेथ रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे किया जाता है। ऑल्सो हम आर की जगह डी एन बाई आर की जगह बी माइनस डी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू है, तो फॉर्मूला डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी अपॉन बी माइनस डी एन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटीग्रल फॉर्म। इसका देखो इसमें ना ये जो है ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जिन बच्चों को आता है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, एन टी इज इक्वल्स टू एन नोट ई नोट आर टी ई आर नोट टी। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब हम आर और आर मैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल का ही है। तो सबसे पहले हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक पॉपुलेशन है उसके अंदर जो पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज है, मतलब वो पॉपुलेशन एक मतलब एक पूरे उसके साथ कैसे इंक्रीज कर रही है, उसको कैसे अफेक्ट किया जा सकता है। जैसे एक पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट बनी हुई है, वो इंक्रीज कर रही है, वो कैसे पता चल रहा है, कैसे अफेक्ट कर, क्या चीज़ है ऐसी जो उसको अफेक्ट कर रही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, या तो ऑर्गेनिज्म का साइज या फिर जनरेशन टाइम, इन दो चीज़ों से पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज करती है, ये चीज़ें पता चलती है। और ये ऑर्गेनिज्म का, अब आप सोच रहे होंगे ऑर्गेनिज्म का साइज़ कैसे आया और जनरेशन टाइम, ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ऑर्गेनिज्म का साइज़ कैसे अफेक्ट करता है और जनरेशन टाइम कैसे अफेक्ट करता है। जनरेशन टाइम जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर जो होता है जनरेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जनरेशन टाइम होता क्या है, जनरेशन टाइम वो होता है जिसमें एक पॉपुलेशन ब्रीड करती है, फिर उसके कितने टाइम बाद जो होती है ना नेक्स्ट उसकी जो प्रोजेनी होती है वो ब्रीड करती है, फिर उसके बाद जो उसकी प्रोजेनी होती है मतलब एक फैमिली आगे बढ़ती जाती है, तो उसमें जो टाइम होता है मतलब एक फैमिली है जैसे फॉर एग्जांपल उसकी ब्रीडिंग हुई, उसके ऑफस्प्रिंग हुए तो वो उसका जनरेशन टाइम हो गया। अब उसके ऑफस्प्रिंग के भी ऑफस्प्रिंग हुए तो वो उनका जनरेशन टाइम हो गया, इसको हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब देखिए जब एक पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहती है तब उसका आर मैक्स जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, आर मैक्स जो होता है ना वो बॉडी वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जब एक पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाती है तो उस टाइम क्या होता है, आर मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरमेंट में जैसे एलिफेंट हो गया या फिर कुछ बड़े बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी ब्रीडिंग शो नहीं करते, वो बहुत कम ब्रीड करते हैं। ये आपने आर और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ में पढ़ा होगा, जो के सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती है उनका जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन का टाइम होता है वो बहुत कम होता है, तो वो बहुत कम जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जबकि जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंट हो गई या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस, इनका लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो इंक्रीज होगा, और पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज होगा तो आर मैक्स जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसमें बस ये था।
अब हम जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, इसका ग्राफ देखने वाले हैं। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा था आर नोट के लिए, इसमें हम जो ग्राफ है वो आर के लिए देखेंगे। जो आर मैक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है आर मैक्स तभी बढ़ता है। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी उसके अंदर आर मैक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती जाएगी। अभी हमें आर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो आर पॉजिटिव होगा, डिक्रीज़ होगी तो आर नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि ऊपर की साइड जाते हैं तो बर्थ रेट इंक्रीज़ होते हैं, नीचे की साइड डेथ रेट इंक्रीज़ होते हैं, और बीच में कॉन्स्टेंट रहता है। तो ऊपर आर की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर इक्वल होगी, और यहाँ 1 से छोटी होगी। इसमें वही की कोई एक पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर बर्थ रेट ज़्यादा होंगे तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और डेथ ज़्यादा होगी तो आर की वैल्यू नेगेटिव होगी। एक फॉर्मूला है डबलिंग टाइम का, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है डी यानी डबलिंग टाइम इज इक्वल्स टू एल एन टू बाई आर। जो एल एन की वैल्यू होती है एल एन टू की वो 0.7 होती है बाय आर। तो आप ये वैल्यू याद रख लीजिए या फिर ये रख लीजिए, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।